हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं द मिस्टीरियस बॉय यूट्यूब चैनल। हमारे साथ नितिन भाई और हमारे प्रिय सबके हेलमेट बाबा और हमारे अपने छोटे भाई चंचल। तो अभी दोस्तों आज हम आए हैं ओरछा में। ओरछा का किला आज आपको भ्रमण कराते हैं, दिखाते हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। बहुत ही अच्छा वीडियो बनने वाला है, मैं कोशिश पूरी करूंगा। है बाबा जी? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। बिल्कुल। और हेलमेट लगाओ अगर गाड़ी चलाओ तो। हाँ जी, ये देखो यार, ये गया, ये देखो इधर, ये क्या है? ये बेतवा रिवर है। ये जो सिपाही खड़े होते थे, हाँ यहाँ सिपाही खड़े होते थे, यहाँ से ये जो इनसे हवा बहुत अच्छी आ रही है दोस्तों। ये देखो, ये है वो किला। और अभी आपको किले के अंदर लेके चलते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, टिकट लेते हैं। और टिकट किसका? हाँ इधर बताओ। नदी के बीचों बीच जो किला है, नदी जो है साफ है। कौन सी? हाँ ये वही नदी। दोस्तों देखो, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर एक अडवारा पुल सॉरी। दोस्तों ये है मेन द्वार, यहाँ से आप एंट्री लेंगे। हाँ, रामपुरा वाली किला में। दोस्तों आप देख लीजिए, ये जो किले का जो मेन दरवाजा है, इसमें कीड़े लगे हुए हैं ताकि अगर कोई दुश्मन आए और इसमें अगर घुसने कोशिश करे तो यहाँ पे। हाँ निकल जाइए, कोई बात नहीं। ये देखिए, हाल ले बाबा, एक किला मोटे हैं। हाँ है मोटे अम्मा का सा। यहाँ से आप एंट्री लेंगे, ऑडियो देंगे। यहाँ से नितिन भाई देखो टिकट ले रहे हैं, यहाँ से टिकट मिल जाएगा। मैंने एंट्री कहाँ है, पीछे से ना। ये देखो मंदिर, हम लोग यहाँ मंदिर गए थे। ये है लाल मल श्री राम का मंदिर है, ये वाला। आपने जैसा कि देखा, ये फ्रंट दरवाजा था। और अभी फ्रंट दरवाजे से हम लोग घूमते घूमते जा रहे हैं तोप खाना की साइड से। यहाँ पर तोपे रखी जाती थी, तो आपको तोप खाना से लेके चलते हैं। और कुछ ऐसा व्यू है मेरे पीछे तोप खाना का, देख लीजिए। ये हाथी घोड़े यहाँ से जाते हैं, रैंप बन गया। अभी रैंप है, अभी दिखाते हैं क्या। दोस्तों एक बार आप किले की खूबसूरती देंगे, एक बार आप देखो
ये बहुत बड़ा किला है यार। इस किले को बनने में कम से कम 100 से 125 साल लगी होगी। ये देखिए दोस्तों, ये देख किलियाँ बनी हुई हैं, प्रोटेक्टेड संरक्षित मार्ग पढ़ लीजिए। जनता दरबार ना, आम जनता दरबार जनता दरबार, यहाँ जनता दरबार ये जो एरिया है। अच्छा, और राष्ट्र बता दे। हाँ, महाराजन की ट्रैक कर ले कौन नहीं कर पाए। हाँ, महाराजन के चार चार हाथी बंधे रहे हैं। कहाँ बंधे रहे? और घर में जाऊंगा और जो कागजा बनूंगा हाथी बना दिया। और दोस्तों, ये जगह जो आप देख रहे हैं ये दीवाने आम है। देखिए यार, यहाँ पे दरबार लगता था। ये देखिए यार, एक प्रकार से आप अदालत कह सकते हो। ये देखिए अच्छा, हाँ हाँ, डीएम वगैरह जो जनता समय जनता दरबार लगा था। हाँ, राजा ये जो सिंहा, ये अभी आइए आपको सिंहासन दिखाते हैं। ये जो है ना दोस्तों, ये सिंहासन पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और यहाँ पे राजा बैठते थे। यहाँ पे राजा साहब बैठते थे, गद्दी लगा के बैठते थे। ये देखिए आप, नक्काशी देखिए किले की। अब एक बार शुरू करो बाबा। अच्छा, हेलमेट बाबा आज हमारे बैठे हैं जहाँ पर राजा लोग अपनी प्रजा को संबोधित करते थे, यानी कि अदालत लगती थी यहाँ पे। ये अदालत यहाँ पे लगती थी। क्यों नितिन भाई? यहाँ वो खड़े होते थे और इस एरिया में सारी आम जनता बैठती थी। तो ये राजा के महल का नक्शा दिया गया है कि कहाँ कैसे कैसे जाना होता है। ये देखिए आप, क्यों डार्क बना दे, समझ नहीं आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, किले की खूबसूरती देखिए आप लोग। इधर इधर ये ना, ये दीवाने आम था। अब हम लोग कर रहे हैं किले एंट्री है ना, अब कर रहे हैं मेन किले एंट्री। अभी तक हम लोग थे दीवाने आम में, जहाँ पर जनता दरबार लगता था, राजा महल। अभी आपको लेके चलते राजा महल में। दोस्तों, ये जो रास्ता गया हुआ है ये राजा महल की साइड गया हुआ है। अब हम आपको लेके चलते हैं राजा महल की साइड। देखो हमारे चंचल भाई और हेलमेट बाबा पहले यहाँ के चले गए हैं। यहाँ पे देखो कुछ क्या कुछ लिखा हुआ है क्या? जिस जिस राजा ने इसमें सहयोग किया है, किसकी कार्यकाल बना, तो सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। ये क्या हो गया? पूरी जानकारी है। हेलमेट बाबा से देखो बातचीत चल रही है। ये राजा रानी का महल है। राजा रानी का महल है।
अभी हम लोग हैं नितिन उसमें राजा रानी के महल में, ये राजा का महल, ये राजा का महल है। तो राजा के महल में दोस्तों आपको दिखाते हैं एक बार बैक कैमरे से क्या गजब नक्काशी बनी है। चल मजा आ रहा है। ये राजा महल था। तो फाइनली अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं राजा महल में, और ये राजा महल का द्वार है जहाँ से राजा महल के अंदर प्रवेश किया जाता है। कुछ ऐसा है तो फाइनली गाइस अभी हम आ चुके हैं महल के अंदर, और मतलब इतनी गर्मी में भी यहाँ का टेम्परेचर हमको इतना नॉर्मल लग रहा है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बनाया गया है कि गर्मी नहीं लगी, इतनी लगनी नहीं चाहिए। हाँ आइए, नितिन भाई कुछ इतिहास बताने वाले हैं। ये देखिए ये ट्रेनिंग सिस्टम है पानी निकालने के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये जो सामने का जो आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर उस जमाने में, राजा रानी के ज़माने में, यहाँ पर नृत्यकाएँ होती जो नृत्य करती थी। ठीक है, ये जो ऊपर जो सिंहासन है यहाँ पे नृत्यकाएँ नृत्य करती थी। ये जो एरिया दिख रहा है यहाँ पे म्यूजिशंस बैठते थे जो गाजे बाजे बजाते थे, ढोलक वोलक वगैरह, और यहाँ पे उनकी सारी पब्लिक बैठती थी, यहाँ पे उनके परिवार के लोग बैठते थे, और ये जो एरिया है वो यहाँ पे पब्लिक बैठती थी ताकि वो नाच गाना आराम से देख सकें। और वो जो ऊपर का जो एरिया दिख रहा है, मैं आपको ऊपर भी लेके चल रहा हूँ एक बार, ये जो ऊपर एक लेके आता हूँ भैया, ये देखिए ये कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई ऊपर जाने के लिए। ये देखिए आप, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इस वाले पोर्शन में नाच गाना होता था, यहाँ पे डांस होता था, सारे लोग सब लोग डांस करते थे। इस वाले एरिया म्यूजिशियन बैठते थे, और यहाँ पे राजा रानी का परिवार बैठता था। इस वाले एरिया यहाँ पे राजा रानी का परिवार बैठता था। दोस्तों ये जो एरिया है, इस एरिया में उनके घर की महिलाएं बैठती थी, राजा रानी के घर की महिलाएं बैठती थी। ये दरवाजा देख लीजिए आप, दशकों पुराना। ये देखिए राजा रानी की, आपको हाँ कहानी को उकेरा गया है ना दीवारों पे। भगवान की फोटो है ब्रह्मा, ये देखिए भगवान ब्रह्मा की फोटो है। तुम्हें भी आपको राजा ने अपने जमाने आइए, अब आपको लेके चलते हैं